जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं फोटोलैब एप्लीकेशन के बारे में। दोस्तों पहले बता दूं मैं आपको कि फोटोलैब एप्लीकेशन को डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, और दोस्तों साथ ही मैं बताऊंगा आपको फोटोलैब एप्लीकेशन से फोटो एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। दोस्तों फोटोलैब एप्लीकेशन में कुछ ऐसे ऐसे फिल्टर देखने को मिलते हैं जहाँ पे कुछ सेकंड के अंदर आपका फोटो एडिट हो जाएगा। अब दोस्तों कैसे करना है, बने रहे हमारे वीडियो पर। दोस्तों चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना। सो दोस्तों मैं कर लेता हूँ वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले दोस्तों आप साइड के अंदर देख सकते हैं मैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन को दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन को ऑन कर लेता हूँ। अब दोस्तों देख सकते हैं आप, मैंने अपनी मोबाइल की स्क्रीन को ऑन कर लिया। ऑन करने के बाद आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहले अपने प्ले स्टोर के अंदर जाना। दोस्तों सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको फोटोलैब को डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं प्ले स्टोर में चला गया हूँ, और प्ले स्टोर में जाने के बाद आप यहाँ पे देख के खोजे लिखा है, इसको आपको क्लिक कर लेना। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च कर लेना फोटोलैब, ठीक है, ध्यान से देखना आपको। तो यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ फोटोलैब। फोटोलैब सर्च करने के बाद आप देख सकते हैं मेरे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है। अब दोस्तों आप सोच रहे हैं कि मैंने जो थंबनेल पे फोटो दिए हैं और जो इसमें फोटो लगा है फोटोलैब का, दोस्तों अलग अलग डिफरेंट है। दोस्तों यहाँ से अगर आप इंस्टॉल करोगे तो मोबाइल की स्क्रीन पर आने के बाद ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, इसका जो बैनर है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। सबसे पहले दोस्तों मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। दोस्तों हमारा फोटोलैब डाउनलोड हो रहा है, जब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों आप देख सकते हैं ध्यान से मेरा फोटोलैब है जो डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। तो कुछ सेकंड लेगा जब तक मैं स्किप कर लेता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा फोटोलैब एप्लीकेशन है जो डाउनलोड हो चुका है। अब दोस्तों मैं स्क्रीन पर जाता हूँ, एक बार आपको दिखाने वाला हूँ कि इसका जो बैनर है चेंज हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो मैंने फोटोलैब इंस्टॉल कर लिया आपके सामने, और आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो है बैनर चेंज हो चुका है ऑटोमेटिकली। अब दोस्तों मैं इसको कर लेता हूँ ओपन। अब दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा फोटोलैब एप्लीकेशन है यहाँ पे आ चुका है। अब मैं इसको कर लेता हूँ ओपन, ठीक है। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद लोड ले रहा है, कुछ सेकंड या कुछ मिनट लोड लेगा, तो आपको ध्यान से देख लेना है। दोस्तों इसी एडिटिंग के अंदर आपका कुछ मिनट के अंदर फोटो एडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों एड आ चुकी है, तो एड को यहाँ पे देख कट वाला ऑप्शन देखने को, इसको कट कर देना है। तो यहाँ से मैं इसको कट कर देता हूँ। कट करने के बाद लोडिंग ले रहा है, जो कि आपका फिल्टर है वो सारे यहाँ पे आने वाला है। अब दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे तीन ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, तो सब होम फीड और माय प्रोफाइल या मेरी प्रोफाइल, इसको आप फीड पर क्लिक कर लेना। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे मैं फीड पर क्लिक कर लेता हूँ। फीड पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आपको कोई सा भी एक फिल्टर ले लेना। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं ये वाला फिल्टर ले लेता हूँ, ये मेरे को अच्छा लगा, इसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। इसको लेने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक अपना फ़ोटो या अपना फ़ोटो पर प्रयोग करें, इसको आपको क्लिक कर लेना। अब दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा रहा है, यहाँ पे आपको अनुमति दे देना, ठीक है। तो मैं अनुमति दे देता हूँ, और अनुमति देने के बाद मेरे सामने पेज ओपन हो गए। यहाँ पे आप मेरा फोटो, इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिर से एक आइकन देखने को मिल रहा है, इसको करके सहमत हूँ, इसको क्लिक कर देना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा फोटो आ चुका। अब दोस्तों ये जाएगा अपने फिल्टर होने के लिए, तो यहाँ आगे वाले चिन्ह को क्लिक कर लेना है। तो आगे वाले चिन्ह को क्लिक कर लेता हूँ। आगे वाले चिन्ह को क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोग्रेस कर रहा है। आप देख सकते हैं या तो कुछ ऐड आएगी, इसको आपको देख लेना है। तो अभी आपको इस ऐड को देख लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपको कट वाला ऑप्शन भी देखने को मिलेगा, ये ऐड है, इसको मैं कट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, और क्लिक करने के बाद मैं कट कर लेता हूँ। कट करने के बाद देख सकते हो दोस्तों मेरा फोटो है जो एडिट हो गया कुछ मिनट या कुछ सेकंड के अंदर, ठीक है। आपके सामने देखने को मिलता है बहुत कम टाइम के अंदर मेरा फोटो एडिट हो चुका। अब दोस्तों इसको गैलरी के अंदर सेव कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे थ्री डॉट पर क्लिक कर लेना। थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद सेव पर डिवाइस पर सेव करें, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एक और पेज ओपन होने वाला है, नहीं यहाँ पे डिवाइस पर सेव करें, इसको आपको क्लिक कर लेना। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे डाउनलोड वाला ऑप्शन देखने को मिला, इसको आपको क्लिक कर देना, ठीक है। इसको क्लिक करते ही जो आपका फोटो है सेव हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा रहा है, सेव शेयर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डाउनलोड वाला ऑप्शन को क्लिक कर लेता हूँ। डाउनलोड वाला ऑप्शन को क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पे देख सकते हैं ये सेव हो गया, ठीक है, मेरा जो गैलरी के अंदर सेव हो गया। अब मैं बैक चला जाता हूँ, और बैक जाने के बाद मैं गैलरी को ओपन कर लेता हूँ। गैलरी को ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो फोटो है आ चुका है। दोस्तों कैसा बना ये कैसा लगा वीडियो, आपको अच्छा लगा तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।